हेलो फ्रेंड्स, लेट्स अनबॉक्स दिस यूनिक पार्सल फ्रॉम द इंडस वैली। इंडस वैली के इस यूनिक पार्सल में निकला है स्टेनलेस स्टील ट्राईप्लाई से बना हुआ ये बहुत ही अच्छा सुपर स्मूथ फूड ग्रेडेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ फ्राई पैन, जो सुपर स्मूथ है अपनी फिनिश के अंदर और 22 सेंटीमीटर इन डाया है। आप इसके अंदर फ्राइड राइस बना सकते हैं, कोई भी सूखी सब्जी बना सकते हैं, चाहे कोई खीर बना सकते हैं, कोई डेजर्ट बना सकते हैं। इसका प्लास्टिक का हैंडल है, उस पर रिवर्ट दिया हुआ है जिससे आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। जो हैंडल्स की जो पोजीशन है, दे आर नॉट स्क्रूड, दे आर रिवेटेड टू इट, तो हैंडल्स की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू यूज़ है। आप इसे गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में और बात करेंगे व्हेन वी मेक खीर इनटू इट। नया बर्तन है तो इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया और गैस पे चढ़ा दिया है। इसको आप कभी भी सूखा गैस पे ना चढ़ाएं, हमेशा कोई ना कोई सामान डाल के इसमें चढ़ाएं, क्योंकि इसका जो बॉटम है वो सैंडविच्ड है, मतलब दो लेयर्स को जोड़ के बना हुआ, एक सिंगल लेयर का नहीं है। तो इसमें हमेशा पहले कोई चीज़ डालें और उसके बाद ही इसको गैस पे चढ़ाएं। तो मैंने अभी इसमें डाल दिया घी और साथ में डाला है भुनी हुई जो सेवैयाँ आती है ना वर्मिसेली, वो डाली है और उसको हम घी में डाल के भूनेंगे, क्योंकि वो थोड़ी कम भुनी हुई होती है और घी में जब हम खीर बनाते हैं थोड़ी ज़्यादा भुनी हुई और इसको एक फ्रेश टेस्ट भी मिलता है। तो उसको घी में अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें और काम करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, कभी भी आप इस तरह का जो भी सैंडविच बॉटम होता है उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो अगर वो गैस पर ज़्यादा देर सूखा चढ़ जाता है तो वो बॉटम छोड़ देता है। तो ये एक प्रिकॉशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर मैंने कुछ बादाम डाले हैं घिस को तोड़ के, वो उसको डाल के उसको भी भून लिया है और जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। तो इसमें अराउंड मैंने 3 कप के अराउंड मिल्क डाला है आधी कटोरी सेवई के अंदर। और अब इस खीर को हम चलाएंगे, मतलब इसको क्योंकि खीर बना रहे हैं और इसका जो बॉटम है, क्योंकि जवे की खीर जल्दी बन जाती है तो इसके लिए हमें हैवी बॉटम नहीं चाहिए। और खीर बनाने में जो हमने घी का इस्तेमाल किया है तो और सराउंडिंग में जो हमने इसको हिला के डाला है तो उससे दूध जो है वो कढ़ाई पे चिपकेगा नहीं, बहुत ही अच्छी हमारी फ्रेश खीर बनके तैयार होगी। तो अब इसको चलाना ही है, केवल बहुत ही यमी खीर इसके अंदर बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप ये फ्राई पैन या इंडस वैली का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रेफरल लिंक दिया हुआ है और एक डिस्काउंट कूपन दिया हुआ है निधि जैन, जिसको यूज़ करने से आपको आपकी परचेज पे एक्स्ट्रा 12% तक डिस्काउंट मिल सकता है। तो गो एंड अवेल दैट पोर्शन। और जवे को हमें चेक करना है कि ये गले हैं कि नहीं गले हैं। आप दूध का कलर देखेंगे, पहले दूध बिल्कुल वाइट था, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है और अभी ये जवे जो हैं गले नहीं है पूरी तरीके से। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे और पकाने के बाद इसको चेक करेंगे। जब हमारे जवे गल जाएंगे और दूध भी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है, हाफ हो ही गया है, और ये देखिए जवे जो है गल गए हैं, बस अब इसको थोड़ी देर और चलाने के बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी मिला देंगे। और चीनी मिला के इसके अंदर इलायची पाउडर भी मैंने डाला था जिसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई हूँ, इसको 2 मिनट और चलाएंगे और हमारी यम्मी सी टेस्टी जवे की खीर बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारे यहाँ राखी पे ज़रूर बनती है तो आप इसे राखी पे बना सकते हैं। इससे हम सून पूछते हैं तो मैंने सोचा कि राखी भी आने वाली है, क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इस प्रोडक्ट का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर आपको इसकी परचेज़ करनी है तो यूज़ रेफरल लिंक शेयर्ड इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यूज डिस्काउंट कूपन ऑल्सो टू अवेल एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अब जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। और ये यमी सी खीर इतने आप लोग भी बनाकर इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।